हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का सास बहू कुकिंग में स्वागत है। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ कुछ ही मिनटों में बनने वाले सूजी के पेड़े। फ्रेंड्स, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप इस तरह से बनाइएगा, एकदम परफेक्ट पेड़े बनेंगे। अब फ्रेंड्स, पेड़े बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, पैन ले लिया है जिसमें डाल दूंगी 50 ग्राम घी। फ्रेंड्स, इसमें मैंने 50 ग्राम देसी घी डाला है जो मैंने घर पे बनाया है। वैसे तो आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन देसी घी से स्वाद है ना दो गुना हो जाता है। अब इसमें डाल देंगे सूजी, 100 ग्राम सूजी है। अब फ्रेंड्स, लगातार चलाते हुए इसे भूनना है गोल्डन ब्राउन होने तक। पर फ्रेंड्स, गैस का ध्यान रखिएगा, सूजी जलनी नहीं चाहिए। लगातार चलाते हुए गैस को अपने हिसाब से कम ज़्यादा करते हुए भूनना है। ये देखिए फ्रेंड्स, लगातार चलाते हुए गैस को कम ज़्यादा करते हुए गोल्डन ब्राउन करना है, जैसे मैंने आपसे बोला था। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं चारों तरफ से बराबर गोल्डन ब्राउन हो रहा है, क्योंकि मैं इसे लगातार चलाते हुए कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, जो मैं मात्रा बता रही हूँ उसका ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने 100 ग्राम सूजी में 50 ग्राम घी डाला है देसी घी। और फ्रेंड्स, जो टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही हूँ बीच में उसका ध्यान रखते हुए बनाएंगे तो आपका जो सूजी के पेड़े हैं बहुत ही अच्छे बनेंगे और फ्रेंड्स बहुत जल्दी बन जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, गोल्डन ब्राउन हो चुका है सूजी, आप देख सकते हैं। अब गैस बंद कर दी है, क्योंकि ये अभी आपको बताती हूँ। और पर फ्रेंड्स, चलाना बंद मत करिएगा, लगातार चलाते रहिएगा। फ्रेंड्स, लगातार चलाते रहें गैस बंद कर दी उसके बाद भी, क्योंकि पैन गर्म है, अगर आप चलाना बंद कर देंगे तो आपकी सूजी जल जाएगी। अब फ्रेंड्स, हम डाल देंगे खोआ, इसी वजह से गैस बंद करी है। खोआ इधर मैंने लिया है 100 ग्राम। फ्रेंड्स, गैस बंद करके ही खोआ मिलाएं, क्योंकि गुठली पड़ने के चांसेस रहते हैं। तो ध्यान रखें, पहले गैस बंद कर दें फिर खोआ डालें और अच्छे से मिक्स कर लें। ध्यान रखें गुठली नहीं रहनी चाहिए। और फ्रेंड्स, क्या है ना, खोआ ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ना डालें। बिना खोआ डाले भी आपकी सूजी के पेड़े बन सकते हैं, लेकिन खोआ डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, इसलिए मैं खोआ डाल रही हूँ। और ये खोआ मैंने घर पे बनाया है, कैसे बनाते हैं मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। बहुत आसानी से कुछ मिनटों में आप खोआ बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से मिक्स हो चुका है खोआ और सूजी। अब इसमें डाल देंगे दूध, 250 ग्राम दूध है। फ्रेंड्स, अगर आप दूध की जगह चाहें तो पानी भी डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, अभी मैंने गैस चालू शुरू करी है, लेकिन एकदम कम पे रखी है। थोड़ा थोड़ा करते हुए डाल रही हूँ, आप ये देख सकते हैं, और मिक्स करना है। और पॉइंट जो मैंने पहले बताया था, ध्यान रखिएगा डेले बिल्कुल भी नहीं पड़ने चाहिए, और लगातार चलाते हुए मिक्स करते रहें। अब फ्रेंड्स, इसमें डाल देंगे 50 ग्राम चीनी, लगातार चलाते हुए मिक्स करना है। फ्रेंड्स, वैसे तो ये सूजी के पेड़े बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ उसका ध्यान रखिएगा, आपके एकदम परफेक्ट पेड़े बनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, लगातार चलाते हुए मिक्स करना है, और अपने हिसाब से गैस कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे 1 स्पून इलायची पाउडर, 1/2 स्पून गुलाब जल। अब फ्रेंड्स, लगातार चलाते हुए मिक्स करना है परफेक्ट कंसिस्टेंसी आने तक, और जब तक घी ना छोड़ दे। ये फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, लगातार चलाते हुए अपने हिसाब से गैस को कम ज़्यादा करते हुए इसे भून रही हूँ और मिक्स कर रही हूँ। और इसे तब तक चलाते रहना है जब तक ये घी ना छोड़ दे और एक साथ इकट्ठा ना हो जाए। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स। पर फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा डेले नहीं पड़ने चाहिए और ये जलना भी नहीं चाहिए, अपने हिसाब से बीच में गैस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इकट्ठा होना शुरू हो चुका है, ये आप देख सकते हैं, और घी भी छोड़ना शुरू कर दिया है इसने। ये देखिए फ्रेंड्स, इकट्ठा होना शुरू हो चुका है, आप देखिए, चेक करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, गैस कम कर दी है और घी भी छोड़ना शुरू हो चुका है। पर फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा चलाना बंद मत करिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं पैन गर्म है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए इकट्ठा हो रहा है, मैंने थोड़ा सा पोर्शन जो निकाला था उससे आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए इकट्ठा हो रहा है, यानी कि हमारा पेड़े की कंसिस्टेंसी हो चुकी है तैयार। अब देखिए गैस बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। अब फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पैन से निकाल लिया है, आप इसे ठंडा करने रखना है, पर इतना ही, ताकि हम आसानी से छू कर इसके पेड़े बना सकें, पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, अब मैं आसानी से हाथ से छू सकती हूँ, यानी कि ये ठंडा इतना हो चुका है कि मैं पेड़े बना सकूँ। अब पेड़े बनाना शुरू करते हैं फ्रेंड्स। पर फ्रेंड्स, मैं इसके लंबे शेप के पेड़े बना रही हूँ, आप जिस शेप में चाहें और जिस साइज़ में चाहें उस साइज़ के पेड़े बना सकते हैं। मैं मीडियम साइज़ के लंबे पेड़े बना रही हूँ। और फ्रेंड्स, जो मैंने मात्रा बताई है और जो मैंने आपको बताई टिप्स उसका ध्यान रखिएगा, तो आपकी परफेक्ट सूजी के पेड़े बन जाएंगे बहुत ही आसानी से। और बना के देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी लगते हैं और बनाना भी बहुत आसान है इनको। और फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी शेप के आप बना सकते हैं पेड़े।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पेड़े हो चुके हैं तैयार। इधर मैंने शुगर पाउडर ले लिया है, इससे क्या करेंगे, चारों तरफ से कोट कर लेंगे पेड़ों को। आपने मार्केट में देखा होगा फ्रेंड्स, इसी तरीके से कोट करे हुए पेड़े आते हैं। फ्रेंड्स चाहे तो आप नारियल का बुरादे भी ले सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पेड़े हो चुके हैं तैयार, हम इसे डेकोरेट करिए बादाम से। चाहे तो आप इसे काजू या फिर कोई भी ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर सकते हैं, अगर मन नहीं है तो मत लगाइए। मैं इसे सब सजाने के लिए लगा रही हूँ, एकदम मार्केट वाला लुक लाने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, बादाम को आधा तक काट लिया है, अब इसे इस तरह से चिपका दे रही हूँ उस पर। ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, एकदम मार्केट वाला लुक आ रहा है ना, और आपको कितने टेम्पटिंग लग रहे होंगे। आप एक बार बना के देखिएगा, बहुत कम समय में, बहुत कम सामग्री में, घर पर मौजूद सामग्री में आपके तैयार हो जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पेड़ तैयार हो चुके हैं, और पर देख के कोई बोल सकता है सूजी के हैं? अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए मैं करीब से दिखाती हूँ, एकदम दानेदार, सॉफ्ट और एकदम खोई का जैसे टेक्सचर आ रहा है ना फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, कोई देख के बोल सकता है सूजी के बने हैं। और फ्रेंड्स, ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।